गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने सेल्फ स्टडी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। अगर ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो एक बार थम्स अप दिखा दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। पूनम है, हिमांशी, दशु, अर्शी, प्रवीण, बिल्कुल रश्मि, सभी, सौरभ, सोनी, उपांशिया जी, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करें अगर सब कुछ क्लियर है तो। ओके चलिए, आपकी जो क्लास रहती है सभी टीचिंग एग्जाम के लिए है, चाहे कोई बच्चा सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा हो, यूपी टेट, रीड या फिर सुपर टेट, जितने भी टीचिंग एग्जाम के प्रिपरेशन होते हैं सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहता है। और चूंकि आपको मालूम है कि जो साइकोलॉजी होती है वो आपके नेट में भी पूछी जाती है, जीआरएफ में भी पूछी जाती है ना, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहती है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, सेल्फ स्टडी क्लासेस तो है ही, साथ में ऐप भी है, ऐप को भी आप सभी इंस्टॉल कर लें, ठीक है, ऐसा आइकॉन है तो ऐप को इंस्टॉल जरूर करें। इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी, मॉडल पेपर भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको हाँ संपूर्ण साहित्य का कोर्स भी आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है बताइए। हाँ सभी को गुड मॉर्निंग, दवा करा दीजिए। नहीं नहीं वो कल हम 11 और 8 बजे वाले क्लास में नहीं आ पाए, नेट पैक खत्म होने की वजह से मैम, रिकॉर्डेड वीडियो हम देख। चलिए बिल्कुल अच्छी बात है, सभी को स्वागत है भाई, दिल से प्यार है, बहुत सारा स्नेह आप सभी के लिए। चलिए भाई ओके, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए सभी के, लवली, सोनी, सीमा, सैमसंग, दर्शु, रितु, कोई किसी का नाम अगर नहीं ले पाते हैं तो बुरा मत मानना बिल्कुल भी, ठीक है, नाम ले लेंगे, नाम में कुछ ज्यादा खास नहीं है, हम तो चाहते हैं आप वो चीज बनिए है ना, खरा हीरा बनिए, ठीक है। हाँ आर्टिफिशियल मत बनिए, आर्टिफिशियल तो लोग कोई भी खरीद सकता है, ऐसे ऐसे नाम कमाइए कि आपको ऑब्वियसली लोग ही बिना कहे ही नाम पुकारे आपका, है ना। चलिए हमारा कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा कि हमारा नाम नहीं लिया गया है, ठीक है। चलिए ओके देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वंचित समूह की बात कर रहा है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को अगर आप सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाते हैं, आज हमारे टोटल 30 क्वेश्चन है तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा और मेरा हर एक बच्चा क्लास को मेरा नाम ले, हाँ मेघा आपका नाम ले लिया बेटा, ठीक है, हाँ प्रणाम, सैमसंग का भी प्रणाम ले लिया, सोनी का ले लिया, सभी का ले लिया, ठीक है। तो सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय ये होता है चाहे वंचित समूह का बच्चा हो, मतलब कहने का एक सामान्य बच्चों को छोड़ करके, एक सामान्य बच्चों को, बच्चा सामान्य है, बाकी जो भी स्पेशल में आता है, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो विशेष हो, चाहे वो विकलांग, मतलब जो भी बच्चा आता है वो सब किस में आते हैं, समावेशी में आते हैं, ठीक है, समान वेशभूषा, समान शिक्षा, ठीक है। हाँ मैम मेरा नाम ले लीजिए, मेघा आपका नाम ले लिया, जी भाई ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक है ना लाइन की, अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि कल ही आखिरी हो, है ना, तो मतलब कि अपना काम जो रहेगा बिल्कुल ईमानदारी का रहेगा, जब व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है तो ईमानदारी से हमें रिजल्ट भी प्राप्त होता है, ठीक है। हाँ पायलागी पायलागी सौरभ सभी को, देखिए एक बच्चे को अकेलापन और एकांत पसंद है, ये स्वभाव किससे संबंधित है, आयु के कारण ये अकेलापन बच्चा महसूस करता है, सामाजिक भिन्नता के कारण, सांस्कृतिक भिन्नता के कारण या फिर प्रजाति भिन्नता के कारण, बताइए किसके कारण ये अकेलापन और एकांत। हाँ सुमन आप भी हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं आप भी हैं, चलिए भाई क्लास को शेयर कर दीजिएगा। हाँ किसी भी धर्म से हो, किसी भी, देखिए बच्चा अकेलापन महसूस करता है,
है ना, एकल परिवार से बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे संयुक्त परिवार से होते हैं। अब बच्चा जब एकल होता है तो बेशक वो एकांत रहना पसंद करेगा, क्योंकि वो उसकी जो बेसिक मतलब जो उसकी बचपन की आदत है वो एकांत रहने की है। ये सारे कारण, ये सारे रीजन जो होते हैं समाज के कारण होते हैं, सामाजिक भिन्नता के कारण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सांस्कृतिक नहीं आएगा बच्चों, इसमें सामाजिक आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। हाँ, जो भी बच्चा एक भी अगर बच्चा कंफ्यूज है थोड़ा सा भी, तो अगला बिल्कुल नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आंसर करेंगे तो गलत ना हो। सांस्कृतिक किसी भी बच्चे का अगर आंसर आता है तो गलत है, क्योंकि सांस्कृतिक नहीं हुआ आपका, समाज का ये मानता है, समाज में ये सब होता है, ठीक है। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए पूरे आपके 30 क्वेश्चन है, और भाई देखिए पूरे अगर 30 क्वेश्चन है, मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग थोड़ा सा जरा सा मेहनत कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मेरे कहने का मतलब आप सभी समझ ही रहे होंगे, ठीक है। एक बच्चे में चूंकि फिर भाषाएं व्यक्ति को समझ में आने लगती है कि क्या कहते हैं, है ना, तो मेरा भी आपको जो शॉर्टकट की है वो आपको समझ में आ रही होगी कि मैम क्या कहना चाहती है। एक बच्चे में क्या होता है, बेईमानी और चोरी की आदत विकसित हो चुकी है। अब बच्चा अन्य बच्चों के साथ जिस दृष्टिकोण से भिन्न है वो किस तरीके से है बताइए, शारीरिक गठन, प्रतिभा, संवेग या नैतिकता, बताइए। वेल डन, 40 आप सभी हैं। आज क्यों ना हम 100+ की ओर जाएं, क्योंकि बहुत दिनों से आज संडे भी है, बहुत सारे बच्चे घर पर भी होंगे, फ्री भी होंगे, तो आप सिर्फ इतना शेयर कीजिएगा कि आज हम 100+ लाइव हो जाएं। आज आपके पूरे 30 क्वेश्चन भी है तो हमारा हर एक बच्चा बिल्कुल पूरी कोशिश करेगा, ठीक है, शेयर करने की। गुड मॉर्निंग सभी को, दीपक, राजगढ़ की श्रेणी, ममता, सौरभ सभी को भाई, चलिए आशा, धीरेन सभी को। तो देखिए चूंकि जो बेईमानी है आदत है, चोरी भी आदत है, ये सारी चीजें अगर बच्चे को नैतिकता सिखाई जाती बचपन से, जो अगर कोहलबर्ग की थ्योरी आपने पढ़ी है, मोरल डिलेमा, नैतिक दुविधा, तो बच्चा ये काम गलत नहीं कर पाता। जो फर्स्ट एज कोहलबर्ग की है, फर्स्ट एज है ना, पूर्व परंपरागत में बच्चा क्या करता है, यहाँ पर बच्चा क्या करता है, पनिशमेंट के कारण कोई काम नहीं करता कि अगर हम चोरी करेंगे तो हमें मार पिटाई होगी। दूसरी एज में इंस्ट्रूमेंटल है ना, सामान का आदान प्रदान करता है, अगर तुम उसे चॉकलेट दोगे तो भी वो तुम्हें देगा, नहीं तो वो नहीं देगा, है ना। हाँ तो ये हमारी नैतिकता पर डिपेंड करता है, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन को पढ़िए आराम से। नहीं नहीं दीपक, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो अपना अपना है ना, किसी को कोई पूछता है, किसी को कोई पूछता है, इसमें कोई व्यक्तिगत किसी को दखलंदाजी देने की जरूरत नहीं है। आप तो बेशक हर एक धर्म को अपना सकते हो, हर एक ईश्वर को अपना सकते हो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी, ठीक है। चलिए फिलहाल क्लास में ध्यान दें सभी बच्चे, छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दें, है ना, क्योंकि छोटी छोटी बातें, पढ़ाई में ध्यान दो बेटा तो वो आपको याद रहेगी, ठीक है। देखिए ये पल भर का है ना, ये जो बातें हैं, ये कमेंट है, ये पल भर का है, लेकिन जो खरा सोना लेकर के, हीरा लेकर के यहां से जाओ, ज्ञान लेकर के जाओ, ताकि जीवन में आप कभी भी कहीं भी रहो तो आप उसका प्रयोग कर पाओ, है ना। एक संतुलित व्यक्तित्व कौन सा होता है, जो बराबर बैलेंस करके जो पर्सनालिटी चलती है उसको किस प्रकार की पर्सनालिटी कहते हैं। पहला है इदम, इदम को इसको इद भी कहते हैं, परम अहम को सुपर इगो भी कहते हैं, है ना। हाँ तो ये आपका इदम हो गया है, इद कहते हैं इसको, सुपर इगो कहते हैं, और ये आपका इद हो गया, इसी को इदम कहते हैं, इसको इगो कहते हैं। जो इदम इदम और सुपर इगो मेंटेन करता है वो संतुलित व्यक्तित्व कहलाता है, या फिर इदम और अहम की जो मेंटेन करता है वो कहलाता है, या फिर अहम अहम और परम अहम के बीच संतुलन स्थापित करता है वो ये मजबूत अहम को बनाता है। मेरा कोई भी बच्चा है, किसी भी बच्चे के गलत आंसर नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये क्वेश्चन ला करके आई हूँ लेकर के, ताकि आप ऐसी चीजों को भी देख पाओ। बेशक मैं जानती थी कि ये क्वेश्चन चूंकि एग्जाम में ये आया हुआ है ना, केवीएस में भी आया है ये क्वेश्चन, एनबीएस में भी आया है ना, सुपर टेट में भी आया है, तो कोई भी बच्चा इसको क्वेश्चन को मिस ना करे। चलिए बिल्कुल, ज्यादातर आंसर किसी का डी आ रहा है तो किसी का ए आ रहा है। चलिए हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि हमारा एक आपने सिगमंड फ्रायड की थ्योरी बच्चे पढ़े हैं, सभी बच्चे ने पढ़ा है, कोई नई बात नहीं है, है ना, कोई नई बात नहीं है, चूंकि मैं आज पहली बार आप सबको बता रही हूँ, ऐसी कोई नई बात नहीं है, ठीक है। एक सेकंड ध्यान दीजिएगा ताकि अगला कभी भी गलत ना हो, मेरा किसी भी बच्चे का ध्यान देना। देखिए फ्रायड ने जो थ्योरी दी है, पहला ईद बताया है, इसको इदम भी कहते हैं, स्पेलिंग इसकी ईद होती, आईडी होती है, लेकिन इसको बोलते हैं हम इदम है।
दूसरा होता है हमारा ईगो होता है, ईगो को हम क्या बोलते हैं, अहम हिंदी में बोलते हैं। तीसरा हमारा सुपर ईगो होता है, सुपर ईगो को हम क्या बोलते हैं, हम परम अहम बोलते हैं। ये सभी बच्चे को मालूम है आई थिंक, बिल्कुल मालूम है। इदम को हम क्या कहते हैं, सुखवादी सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इसको इससे मतलब नहीं है कि समाज में क्या रेपुटेशन बनेगी, हमको चाहिए तो चाहिए, ठीक है। हाँ, अहम जो होता है वास्तविकता रियलिटी पर होता है। तीसरा जो होता है परम अहम नैतिकता का सिद्धांत कहते हैं, और इन दोनों को मेंटेन कौन करता है, ईगो करता है। ईद को भी मेंटेन करके रखता है, सुपर ईगो को भी, दोनों में मेंटेन करके रखता है। इसी को बैलेंस कहते हैं, किसको, बीच के ईगो को। अब चूंकि यहाँ पर ईद है, अब ईद को भी मेंटेन कर रहा है, परम अहम को भी मेंटेन कर रहा है, इन दोनों को जो मेंटेन करता है उसको हम संतुलित व्यक्तित्व कहते हैं। तो ऑप्शन ए को हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन जाएगा। एक बार हर एक बच्चा हमारा चेक कर ले अपना आंसर कि हमारी भूल कहां पर हुई है, ठीक है। ए ऑप्शन होगा हमारा, इदम नहीं होगा, इदम ईद तो है और अहम के बीच संतुलन नहीं, इन दोनों के बीच ईद में संतुलन हो और सुपर ईगो में, इन दोनों को मेंटेन कौन करता है, हमारा ईगो वाला पार्ट यानी अहम करता है ना। इसको पुल भी कहते हैं, पार करने की पुल भी कहते हैं। बहुत सारी किताबों में अलग अलग डेफिनेशन आपको, आप फास्ट आंसर देती हो, यू आर वेरी गुड, ओके। चलिए हाँ, बेहतर, आप समझ में, हमारे किसी बच्चे कोई डाउट तो नहीं रह गया है, किसी बच्चे को तो नहीं है डाउट कि क्यों हुआ ये आंसर। चलिए, आई थिंक नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो बता देना, हम क्लास के अंत में बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए, हम चाहते हैं कि आप जो भी पढ़ो पल भर हमारे साथ समय वक्त बिताओ, तो आप ऐसा वक्त बिताओ कि आपको लाइफ टाइम वो चीजें याद रहे, सिर्फ टाइम पास करके ना जाओ यहाँ से। अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता कौन सी होती है, पहला है वह कक्षा में सभी से मेलजोल रखता है, दूसरा है वह पाठ सहगामी क्रियाओं में निरंतर भाग लेता है, तीसरा है एकांत में रहकर कम बातचीत करता है, पांचवा है डी है, बताइए। तो आज क्यों, सभी बच्चे का अगर मन हो तो आज हम 100 लाइव हो जाते हैं, क्योंकि हम 50 तो हो गए हैं, मान लीजिए 50 हम लाइव हो है अभी, 4 मैम सी किए नहीं है। चलिए, हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, आज 100 प्लस तो होना चाहिए यार, आई थिंक, अगर सभी को लग रहा हो ऐसा तो, सिर्फ मुझे ही बस नहीं होना चाहिए तो, ठीक है। चलिए देखिए, अंतर्मुखी बालक बच्चे युंग प्रकार ने, युंग ने और जुंग, इन्हीं को युंग भी कहते हैं, जुंग भी, ये व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए हैं, एक अंतर्मुखी दूसरा बहिर्मुखी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अंतर्मुखी जैसे नाम से ही स्पष्ट है, अंत, इसमें बहिर लिखा है, तो अंत मतलब कि अंदर ही अंदर, जो अपने बारे में सोचता है ना, स्वार्थी होता है, अंदर ही अंदर सोचता है। जो बहिर्मुखी, जो बाहर यानी समाज के बारे में भी सोचता है, वो बहिर्मुखी कहलाता है, और जो इन दोनों को मेंटेन करता है वो हमारा उभयमुखी कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंतर्मुखी कहते हैं। बोलिए, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करके जाइएगा क्लास को, और अगर नहीं है तो फिर आगे नहीं कह सकते भैया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया, मानव व्यक्तित्व परिणाम होता है, मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम होता है। भाई क्लास पसंद नहीं आ रही क्या, क्लास पसंद आ रही हो तो दमदार तरीके से क्यों ना शेयर किया जाए, 100 प्लस आज होना चाहिए यार, है ना, मुझे ऐसा लगता है, अगर सभी को ऐसा लग रहा हो तो, क्योंकि मेरे बस सोचने से नहीं होगा, अगर जब तक आप सब नहीं सोचेंगे इस चीज को तो मेरे बस सोचने से नहीं होगा, ठीक है, आज रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, ठीक है, अगर आप सबकी ऐसी इच्छा हो तो 50 का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और 100 की ओर चल देते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे अपन हिंदी में पढ़ते हैं, है ना, हाँ, जैसे हिंदी में अपनी संख्या रहती है वैसे अपनी हम सीडीपी में भी बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसका परिणाम है, आपका अनुवांशिकता और वातावरण की अंतर क्रिया का होगा, ठीक है। हाँ, चलिए भाई, बेशक क्या हो जाएगा हमारा, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतर क्रिया का हो जाएगा। क्लियर है सभी को, हाँ, आज बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ एवं स्वच्छ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। चलिए आंसर कीजिए, अच्छा हाँ, बिल्कुल सही बात है, बनते ही है टूटने के लिए। चलिए,
हाँ तो हमने 50 को तो पार कर दिया, अपना रिकॉर्ड तो टूट ही गया है। चलिए अब 100 की ओर चल रहे हैं, हो सकता है हो जाए अब, है ना। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं, छात्रों को हमें कैसे रहना है, मानसिक स्वस्थ एवं स्वच्छ बने रहने के लिए ध्यान देना है पोषण को, बच्चा कोई मिस नहीं होगा। बहुत सारा बच्चे ऐसे बच्चे होंगे जो विधियों को आंसर कर देंगे, बट ध्यान से आंसर करना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। हाँ देखिए, छात्रों को हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है एवं स्वच्छ बने रहने के लिए, जो विद्यालय का प्रशासन है उस प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, घर पर अनुकूल वातावरण, यहाँ बात विद्यालय प्रशासन की हो रही है, घर की बात नहीं हो रही तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा गलत हुआ। अगर हम बातें करते हैं निगरानी की, तो किसी चीज में अगर हम निगरानी करेंगे ना तो कब तक कर सकते हैं, है ना। अब जानवरों को भी अब पिंजरे में जब आप रखते हो, है ना, पैरट को अगर आप पिंजरे में रखते हो तो वो भी सोचता है हम कब निकल जाए, तो किसी को निगरानी में रख करके आप काम नहीं करवा सकते हो, ठीक है। हाँ शिक्षण विधियां, अब बच्चे को शिक्षण विधियां तो तब काम आएंगी जब उस बच्चा कैसा होगा, स्वस्थ होगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। हाँ नियमित स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया क्या कह रहा है। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति क्या दिखाता है, सहानुभूति दिखाता है, तो ये विचार कहलाता है। विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत, या फिर नैतिकता की आदत, बताइए। हाँ सी ममता का सही है, बाकी बहुत सारे फ्रेंड्स का भी सही है, ठीक है भाई। चलिए बताइए आंसर कीजिए। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति क्या दिखाता है, सहानुभूति दिखा। मैम मैंने कहा था आप 30 क्वेश्चन लाओ, क्लास में बहुत बच्चे जुड़ेंगे क्योंकि पेपर में 30 क्वेश्चन आते हैं। हाँ तो आज आपके 30 क्वेश्चन ही है दीपक, ठीक है। हाँ 30 क्वेश्चन ही है, देखती हूँ कितने बच्चे आपके जुड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए बेशक, चलिए तो एक बच्चा सदैव दूसरों की सहानुभूति, बहुत सारे बच्चे का यहाँ पर आंसर डी आ रहा है, पर एक चीज आपने गौर नहीं किया है, शायद गौर नहीं किया है, बहुत सारे बच्चों ने गौर नहीं किया है। यहाँ पर लगातार नैतिकता देखा तो नैतिकता पे झट से आंसर कर दिया, ठीक है। नैतिकता भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास भावना संबंधी आदत ना होता, तो भावना संबंधी ना होता तो आपका नैतिकता ही आंसर होता, क्योंकि यहाँ पर भाव नैतिकता भी आपकी किस तरह की है, भावना से संबंधित है। अब जब आपके पास भावना ऑप्शन है तो आपका नैतिकता नहीं होगा, है ना, है तो ये नैतिकता के अंतर्गत ही आता है, लेकिन यहाँ पर भाव, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है। अब देखिए मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, कुछ क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बताते हैं कि भैया यार मेरे पापा फीस नहीं भर पा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो फ्रेंड दूसरा फ्रेंड कहता है तू चिंता मत कर, मैं तेरे बदले अपने घर से अपने पापा से पैसा मांग करके तेरा फीस जमा कर दूंगा। तो यहाँ पर बच्चा उसने क्या किया, भावनाएं उसकी ऐसी थी, अगर भावनाएं उसकी बुरी होती तो कहां से नैतिकता आती, है ना। तो हमारा बी ऑप्शन चलेगा, अगर बी ऑप्शन नहीं होता बच्चे तो नैतिकता सही था, अगर बी नहीं होता, हाँ तो बी अगर नहीं होता तो भावना आपका बी नहीं होता तो फिर डी ही होता, लेकिन चूंकि भावना है हमारे पास ऑप्शन, तो हमारा बी ही जाएगा आंसर, ठीक है। पहली प्रायोरिटी तो हम भावना को ही देंगे, और दूसरी चीज अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन आता है कि बी और डी दोनों, तब फिर आपका आंसर दोनों होगा। अगर ऑप्शन ऐसा भी मिलता है कि बी व डी दोनों, तो आपका दोनों भी हो सकता है, लेकिन अगर एक दोनों ऑप्शन अलग अलग दिए हैं तो सिर्फ आपका भावना होगा। तो हमारे हर एक बच्चे को गलत, मतलब कि समझ में आया नहीं आया, वो गलत हो गया, कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है कि आप इन चीजों को थोड़ा सा एक साइड कर पाओ कि क्या सही है क्या गलत है। मटेरियल बहुत कुछ मिलता है, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म से मेरे द्वारा ही आपको मिलता है, लेकिन पढ़िए वही जो एग्जाम ओरिएंटेड, पढ़ने को बहुत मटेरियल है, बहुत प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी किताबें हैं, पर हमें पढ़ना क्या है ये मैटर करता है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अच्छी स्मृति की विशेषताएं कौन सी होती हैं, शीघ्र पुनः स्मरण की, शीघ्र पहचान की, अच्छी धारणा की, या फिर उपरोक्त सभी। चलिए बताइए, आज 100 अगर आप सबकी इच्छाएं हो तो हमने 50 का टारगेट तो कंप्लीट ही किया है, 100 का टारगेट अगर आप सबको लगे तो बिल्कुल आज रिकॉर्ड को पहुंचाना है भाई, सभी जोर लगा दीजिए। अगर आप सब भी ऐसा सोच रहे हैं मेरे जैसा ही, तो अपन तो डेली 50 पढ़ते ही हैं साथ में। चलिए भाई यार देखिए, मतलब खांसी भी मुझे आ रही है, फिर भी क्लास खांसी मतलब बीच में भी रुक गई है, बाकी वैसे बहुत तेजी से थी। आज बी क्वेश्चन
बामन बच्चे हो गए। हाँ बिल्कुल, 8 क्वेश्चन पर ही 52 बच्चे हो गए, बिल्कुल ममता। चलिए, आप सबका ही है स्नेह, है आप सबका प्यार, है आप सबका सम्मान है, ठीक है। चलिए, हाँ ये आपका अच्छी स्मृति मेमोरी, मेमोरी भी आपका चैप्टर में आपके है, तो शीघ्र पुनः स्मरण भी हो जाएगा, पहचान भी होगा, अच्छी धारणा भी होगा, डी होगा ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए, पानी पी लेती हूं मैं तब तक। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, सैमसंग कह रहे हैं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। देखिए अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं, व्यक्तिगत का मतलब है पर्टिकुलर, किसी की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा, पर्टिकुलर विभिन्नताओं का महत्व क्या होता है। विद्यार्थी की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, व्यक्तिगत रुचि, विद्यार्थियों का समरूप, समूह, वर्गीकरण, तो बेशक हमारा डी ऑप्शन होगा, ये सभी कुछ आएगा आपका इंडिविजुअल पर मैम। हाँ बिल्कुल, काढ़ा बनाएंगे, काढ़ा तो मॉर्निंग में हमने लिया भी था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके DSSP में भी आया है, DSSP में भी आया, KVS में भी आया है ना, रीट में भी आया है, और ये आपके सुपर टेट में भी आया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बनने ही बनने हैं, बताइए। हाँ आज 100+ बच्चे होने चाहिए भैया। देखिए व्यक्तित्व तो आकलन की प्रक्षेपण विधि, एक होती है प्रक्षेपण विधि, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोजेक्टिव मेथड, और दूसरा होता है नॉन प्रोजेक्टिव, यानी कि अप्रक्षेपण, है ना, ठीक है। हाँ तो पहला होता है हमारा प्रक्षेपण और दूसरा होता है अप्रक्षेपण, दो प्रकार की यहां पर विधियां बेसिकली आपके व्यक्तित्व में देखी जाती है। तो देखिए यहां पर बताए प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में भी पूछ लेता है प्रक्षेपण का मतलब क्या है, तो आपको क्या आंसर करना है, प्रक्षेपण का मतलब होता है कि एग्जाम्पल सुनिएगा, एग्जाम्पल में आप बेशक अच्छे से क्लियर हो पाएगा। प्रक्षेपण विधियां उन विधियों के लिए प्रयोग किया जाता है जहां पर मान लीजिए किसी बच्चे का सपना ऐसा है कि हमें IAS ऑफिसर बनना है, वो बच्चा हमारा IAS ऑफिसर नहीं बन पाया, अब उसका जो सपना था वो जागृत अवस्था का, यानी चेतन अवस्था का था, अब वो बच्चे का सपना कहाँ चला गया, अच्छा नहीं कंप्लीट कर पाया, एज उसकी आगे निकल गई, तो वो सपना उसका चला गया किसमें, अचेतन में चला गया। अब जब जो बच्चे का अचेतन में चला गया, तो कभी कभी आपने देखा भी होगा सदमा लोगों को लग जाता है कि यार अब मतलब मेरे साथ क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो सदमा व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, अचेतन में उसके मन में क्या चल रहा है, उन सारी चीजों को जानने के लिए प्रक्षेपण विधियों का हम बेसिकली प्रयोग करते हैं, अब बाकी चेतन के जानने के लिए अप्रक्षेपण का प्रयोग करते हैं, ये सभी वाकिफ है, आप सभी नहीं है तो हम एक एक करके आपको बता देते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला है हमारा यहाँ पर कहानी का जो राइट ऑप्शन होगा कहानी विधि होगा, हाँ हमारे सभी बच्चों का सही आंसर आ रहा है, अगर कहानी विधि है बच्चों, कहानी विधि हमारा तो राइट ऑप्शन हो गया। अब कहानी विधि को किसने दिया है ये भी आप सबको जानना बहुत जरूरी है ना, हाँ कमेंट करिए कहानी विधि को किसने दिया है, इनका जो परीक्षण किया है पहला वो किसने किया है बताइए कहानी विधि का। हाँ मेरा एक गलत हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ इनको शॉर्ट में कहानी विधि को SCT भी कहते हैं, बेशक हाँ 60+ अपन हो गए हैं, हाँ बिल्कुल SCT भी कहते हैं, वाक्य कहानी पूर्ति भी कहते हैं, वाक्य कहानी पूर्ति। इसमें क्या होता है बेसिकली एक लाइन, जैसे मान लीजिए कि मेरा देश, मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया जाता है मेरा देश डॉट डॉट है, अब यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरना है, इसको कंप्लीट करना है, अब आपकी मेंटेलिटी जो होगी, आपकी विचारधारा जो होगी देश के प्रति कि आपका देश कैसा, कुछ लोग ये भी भर देंगे बहुत गंदा है, कुछ लोग ये भी भरेंगे बहुत अच्छा है, तो जो जिसकी मेंटेलिटी भी होती है वो यहाँ पर देखी जाती है, उसी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग आपकी अवस्थाओं को जाना जाता है, आपकी मन की जो चीजें हैं वो देखा जाता है बेसिकली, ठीक है। हाँ इसको देने वाले कौन थे, पाइन व टेंडलर कौन से सन में दिए थे, सन 1930 में दिए थे, इसका परीक्षण किए थे, तो ध्यान दीजिएगा, नाम नोट जरूर कर लीजिएगा, पाइन व टेंडलर, क्वेश्चन बनता है किसने दिया है, ठीक है। हाँ इसमें अधूरी वाक्यों को पूरा करने के लिए दिया जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी 3 जो हमारे हैं वो हमारे अप्रक्षेपण के यानी नॉन प्रोजेक्टिव के हैं, ठीक है।
चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज तो मुझे लगता है कि 30 क्वेश्चन तक में 100 से भी आगे आप सभी जाएंगे। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अंकिता सभी को। राजगढ़ कृष्ण, देखिए बच्चे के व्यक्तित्व के एक सूत्री विकास के लिए माँ बाप को चाहिए कि माँ बाप क्या करें, बच्चों को अति सुरक्षित रखें, बच्चे की तुलना लगातार दूसरों से करें, घर में अनुकूल वातावरण प्राप्त करवाएं, बच्चे के लिए योग अध्यापक प्रबंध करें। क्या ऑप्शन होगा? हाँ 70 अपन होने वाले हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप सबका सपोर्ट है, बहुत सारा स्नेह है, बिल्कुल ये तो प्रूफ हो रहा है। नीतू को देखिए क्लास में अब अजीब अजीब चीजें। हाँ क्लास में कोई बात नहीं करेगा, बेशक क्लास के अंत तक कोई बात नहीं करेगा जब तक हमारे कंप्लीट 30 क्वेश्चन नहीं हो जाते। हमारा हर एक बच्चा बहुत समझदार है, हम यही अपेक्षा करते हैं अपने सेल्फ स्टडी क्लासेस में, ठीक है। चलिए भाई देखिए व्यक्तित्व को एक सूत्री विकास के लिए माँ बाप को चाहिए, ध्यान दीजिएगा ये आपके लाइफ टाइम का बहुत अच्छा समय है। हाँ देखिए बच्चों को अति सुरक्षित, तो देखिए अति किसी चीज की हम जब रखेंगे तो अति किसी चीज का, चाहे आप दवाई हो चाहे कड़ाई हो, अति हमें नहीं करना चाहिए, नुकसानदायक होता तो ये गलत हो जाएगा। बच्चे की तुलना अगर करोगे तो आप लगातार जब तुलना करोगे किसी बच्चे की ना, तो बेशक वो सोचेगा यार जब देखो तो पापा किसी और ही की तुलना करते रहते हैं, मैं तो किसी काम का हूं ही नहीं। अनुकूल अगर वातावरण आप बनाएंगे तो बच्चा आपका बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा, सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। व्यक्तित्व का कौन सा भाग समाज के नैतिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर विकसित होता है, बताइए। इदम होता है, अहम होता है, परम अहम होता है या लिबिडो होता है, चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। सब लोग हाँ शेयर शांत होकर पढ़ाई करो, बिल्कुल सुमन, सभी भैया भाई बहन सभी हमारे बहुत समझदार हैं आप सब, ठीक है। चलिए बताइए व्यक्तित्व का कौन सा भाग समाज के नैतिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर विकसित होता है। इदम, तो इदम को तो मैंने आपको बताया जन्मजात सुखवादी सिद्धांत होता है, इसको दुनिया की फिक्र नहीं होती कि दुनिया समाज हमको क्या कहेगा, हमको ये चीज चाहिए तो चाहिए, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। अहम जो होता है वो रियालिटी होता है, वास्तविकता सिद्धांत होता है। परम अहम जो होता है वो नैतिकता का सिद्धांत कहते हैं इसको, आदर्शवादी सिद्धांत भी इसको कहते हैं, तो हमारा बेसिक ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारे हर एक बच्चे का क्लियर होना चाहिए भैया, डाउट लेकर कि यहां से नहीं जाना है किसी बच्चे को। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिए कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका क्या कहलाता है, मूल्य कहलाता है, आदत कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है या फिर मानदंड कहलाता है, बताइए। चलिए हाँ जो बच्चे हमारे टेलीग्राम में नहीं जुड़े हुए हैं, सेल्फ स्टडी के जो सोशल प्लेटफॉर्म है वहां भी जुड़ जाइए। अब अगर मुझे व्यक्तिगत आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सरिता मैम साइकोलॉजी टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे सरिता मैम, है ना, साइकोलॉजी, तो मैं आपको मिल जाऊंगी टेलीग्राम में। यहाँ पर हम साइकोलॉजी की क्विज सॉल्व करते हैं, डेली करते हैं, जो बच्चे कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पता है, ठीक है। चलिए बाकी अगर सेल्फ स्टडी के साथ पर्टिकुलर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे सारी लिंक दी हुई है, यहाँ भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हाँ यहाँ पर तो हम बेसिक आपके साइकोलॉजी के डेली क्विज कराते हैं मॉर्निंग के, है ना, मॉर्निंग में करते हैं अपन, जो बच्चे जुड़े हैं वो उनको पता है, ठीक है। तो देखिए कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है, है ना। आपके बोलने का तरीका, आपके जीवन जीने का तरीका, आपके खाने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, यह सब कुछ आपका व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। आदत नहीं आता है, व्यक्तित्व आता है। मैम व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप अभी नहीं बना है सौरभ, अभी तो टेलीग्राम ही है। टेलीग्राम में एक्चुअली हम क्वेश्चन अच्छे से कर पाते हैं इसलिए, क्योंकि वहां पर क्विज कराए जाते हैं, टेलीग्राम में क्विज हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखिए व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है, व्यक्ति इतिहास विधि है, क्रम निर्धारण मापनी है, रोशाक परीक्षण है या शब्द साचर परीक्षण है। अब अगर आप सब कंप्लीट सीडीपी मेरे साथ पढ़ना चाहेंगे तो कंप्लीट सीडीपी भी हम आपको ऐप में दिलाएंगे, मैं ही भी पढ़ाऊंगी आप सभी को कंप्लीट सीडीपी। अगर मेरे साथ चैप्टर वाइज पढ़ना होगा तो कंप्लीट भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ चलिए बेशक 70 आप सभी हो चुके हैं, बधाई हो आप सभी को। देखिए व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ बताइए कौन सी है, व्यक्ति इतिहास विधि है, क्रम निर्धारण मापनी है, रोशाक परीक्षण है, शब्द साहचर्य परीक्षण है। चलिए हाँ
चलिए बेशक, अभी मैंने आपको बताया था है ना कि नॉन प्रोजेक्टिव जो मेथोडोलॉजी की जो आपकी विधियां होती हैं नॉन प्रोजेक्टिव की, कौन कौन सी है, जब कभी भी क्वेश्चन बनेगा बच्चों तो इसको ध्यान देना, क्वेश्चन यहाँ से 100% बनता है, क्योंकि ये व्यक्तित्व और बुद्धि चैप्टर से ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जहां क्वेश्चन ना बने। मैम टेस्ट, मैम टेट और सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट है विवेक, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लास है, सभी टीचिंग एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, ये नॉन प्रोजेक्टिव यानी कि अप्रक्षेपण विधियां कौन कौन सी है, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। पहली आपकी आत्मकथा विधि है ना, आत्मकथा लेखन विधि। दूसरी होती है इसी को, हाँ दूसरी होती है आपकी प्रश्नावली विधि। तीसरी व्यक्ति इतिहास विधि। चौथी है आपकी साक्षात्कार विधि। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ये चार आपके वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके नॉन प्रोजेक्टिव के लिए आपके देखा जाता है पर्टिकुलर। ठीक है, हाँ अब यहाँ पर हमारा जो व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ पर्टिकुलर कौन सी है, तो व्यक्ति इतिहास विधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें बेसिकली क्या होता है व्यक्ति इतिहास में, इसको जीवन का इतिहास भी कहते हैं, जीवन व्रत इतिहास भी कहते हैं, जीवन व्रत इतिहास भी इसको कहते हैं, है ना। हाँ, इसको लाने वाले सबसे पहले जन्मदाता इनके किसको कहा जाता है, टाइड मैन जी को, टाइड मैन। ध्यान दीजिएगा, ये नाम जरूर पूछता है, टाइड मैन है कौन है, इनके जो जन्मदाता है, जीवन व्रत इतिहास या फिर व्यक्ति इतिहास विधि के जन्मदाता कौन है, टाइड मैन है। नोट कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली टाइड मैन मतलब जो जीवन व्रति होता है, इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, इसमें बेसिकली उन बच्चों के लिए किया जाता है जो अपराधी प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा ऐसा है कि जो 14 वर्ष में ही अपराध कर देता है, अब वो बच्चा अपराध किया तो क्यों किया, जब सरकार पता लगाती है तो वहां पर पूरे बच्चे का केस देखा जाता है, बचपन से लेकर के 14 वर्ष की उम्र तक, कि आखिरकार ये क्या बच्चा बचपन से ही क्रिमिनल था या फिर किसी कारणवश से हो गया है। तो यहाँ पर इस विधि के लिए प्रयोग किया जाता है, क्रिमिनल के लिए, बच्चों के अपराधों को देखने के लिए, है ना। जीवन व्रत इतिहास में जन्मदाता कौन है बच्चों, टाइड मैन है। ध्यान रखना, गलत मत करना, बार बार कह रही हूँ क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ, सीएटी मापता है, सीएटी क्या मापता है बताइए, हाँ कोई कमेंट कर रहा है पेड क्लास भी चलता है क्या, हाँ साहित्य का अगर संपूर्ण कोर्स लेना है तो उसका पेड कोर्स चलता है। ठीक है, संपूर्ण साहित्य, हाँ बिल्कुल। बताइए सीएटी मापता है व्यक्तित्व को, मापता है बुद्धि को, मापता है परिपक्वता को, मापता है या फिर सृजनात्मकता, बताइए। हाँ पेड कोर्स भी चलता है, संपूर्ण साहित्य का चलता है, हिंदी साहित्य का, आप चाहे टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीजीटी की कर रहे हो, सुपर टेट की कर रहे हो, संपूर्ण साहित्य का कोर्स आपको ऐप में मिल जाएगा, सेल्फ स्टडी क्लासेस में, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। हिंदी व्याकरण की भी क्लास शाम को 8 बजे रहती है, मैं ही पढ़ाती हूँ, रात्रि को 9 बजे हिंदी साहित्य का रहता है, सर की क्लास रहती है, हमारे बहुत सारे बच्चे वाकिफ भी हैं। तो देखिए सीएटी किसको मापता है बताइए, हाँ व्यक्तित्व मापता है, बिल्कुल सही है, व्यक्तित्व मापता है, क्या मापता है, सीएटी व्यक्तित्व। सीएटी को और क्या कहते हैं हिंदी में, इसको फुल फॉर्म क्या है, चिल्ड्रन, सीसी होगा चिल्ड्रन, कैट यानी बिल्ली नहीं होगा, ठीक है ध्यान रखना, इसे चिल्ड्रन अपरसेप्शन, अपरसेप्शन टेस्ट होता है, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, बाल प्रसंगात्मक बोध कहते हैं या इसको परीक्षण कहते हैं। ठीक है, हाँ चलिए, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो तो समझ में नहीं आता है। ठीक है, हाँ अगर इनके हम जनक की बात करते हैं, इनके जन्मदाता की बात करते हैं सीएटी की, तो कौन है, लियोपोल्ड बेलॉक, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन 100% यहां से बनना ही बनना है। लियोपोल्ड बेलॉक किस सन में किए थे, सन 1948 में किए थे। ठीक है, हाँ 3 वर्ष से 11 वर्ष के बच्चों पर अगला क्वेश्चन देखिए,
फ्रॉयड ने व्यक्तित्व को बांटा है, फ्रॉयड ने, हाँ थोड़ी से अपनी दूरी और भैया, 80 है, 100 कीजिए सभी फ्रेंड्स, हमारे सभी मित्र मिलकर, अगर क्लास पसंद आ रही हो तो। हाँ बिल्कुल 100 प्लस होकर ही रहेंगे। चलिए, फ्रॉयड ने व्यक्तित्व को बांटा है, किस प्रकार बांटा है, अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व के रूप में, इदम अहम तथा परा अहम के रूप में, कृषिकाय तथा पुष्टिकाय के रूप में, एंडोमार्फिक तथा मिसोमार्फिक। देखिए कृषिकाय या पुष्टिकाय, एंडोमार्फिक या मिसोमार्फिक, ये क्रेस्मर व सेल्डन की, क्रेस्मर व सेल्डन ने दिया है व्यक्तित्व का, ठीक है, ये दोनों ने दिया है। इदम अहम और परा अहम किसने दिया है, सिगमंड फ्रॉयड ने दिया है, सिगमंड फ्रॉयड ने दिया है। और अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व किसने दिया है, ये आपके यूंग जी ने दिया है, किसने दिया है, यूंग जी ने दिया है, ठीक है, क्लियर हुआ हमारे सभी बच्चे को। चलिए भाई, तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, हम 100 की ओर जा ही रहे हैं, बस थोड़ी सी दूरी और है हमारी, मैम थोड़ा जल्दी किया करें। चलिए पूजा, जल्दी हो जाएगा। देखिए, मानसिक आरोग्य विज्ञान से तात्पर्य क्या है, अधिक धन उपार्जन करने वाले व्यक्ति का निर्माण करना, धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति का निर्माण करना, संतुलित एवं व्यवस्थापित व्यक्तित्व का निर्माण करना, या मानसिक आरोग्य विज्ञान से तात्पर्य है, बताइए। हाँ 85 हम सभी लाइव हैं यहाँ पर, संस्कृत की तो नहीं चलती है बट हिंदी की चलती है, व्याकरण की भी चलती है, साहित्य की भी चलती है। मानसिक आरोग्य, एक आपने आरोग्य सेतु भी कोविड-19 में अच्छे से वाकिफ हो गए होंगे, ऐप है आरोग्य सेतु। बेशक आपका जो राइट ऑप्शन होगा सी होगा, लगातार सी आंसर आ रहा, संतुलित एवं व्यवस्थापित व्यक्तित्व निर्माण करना, ऑप्शन सी को हमारा बिल्कुल क्लियर जाता है, तो बिल्कुल सही होना चाहिए सभी बच्चों का, ठीक है भैया। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अपने पूरे 30 क्वेश्चन है भैया, सभी क्लास के अंदर बने रहे। विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है कमजोर विद्यार्थियों में, सामान्य विद्यार्थियों में, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में, या फिर सभी में, बताइए। ओके, विभेदकारी, अब आपको जैसे कहते हैं भेद करना, यानी कि अंतर कर देना, अलग अलग पहचान कर पाना, है ना, तो परीक्षण जो अंतर करवाता है वो कमजोर विद्यार्थियों का भी अंतर करता है, सामान्य का भी अंतर करता है, प्रतिभाशाली का, है ना, कि कौन सा बच्चा सामान्य है, आईक्यू पावर देख करके उसको डिफरेंस किया जाता है, कौन सा बच्चा सामान्य है, कौन सा बच्चा चाइल्ड गिफ्टेड है ना। मैम पर्यावरण की क्लास नहीं चलती क्या, सुमन पर्यावरण की क्लास अभी नहीं चलती है, बट हमारा बच्चा अगर सभी टीचिंग एग्जाम के हैं तो मैं बेशक आपको एक हिंदी पैडागॉजी की पूरा दे दूंगी क्लास, कम से कम 2-3-4 घंटे की लगातार 2-3 दिन दे दूंगी, क्लियर हो जाएगा आपका हिंदी पैडागॉजी, है ना। हाँ ईवीएस की भी पैडागॉजी करा दूंगी आपको मैं, बस आप धैर्यता बनाए रखें और उम्मीद और भरोसा बनाए रखें, ठीक है। चलिए, बेशक आपको सारी चीजें मैं ही दूंगी, आप चिंता ना करना, ठीक है। चलिए, हाँ देखिए ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। तो कोई बच्चा क्लास को लाइक शेयर बिना रुकेगा नहीं, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक साथ एक ही क्लास में आपको इतनी सारी चीजें मिल रही है। देखिए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए क्या जरूरी होता है, अभी क्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है, प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे विद्यार्थी में बदलाव आता है, या फिर शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। हाँ सौरभ सही, नहीं पता नहीं गले में ज्यादा खराश लग रही है आज। हाँ वो हमारे ही स्टूडेंट नहीं है ममता, आप सबके भी फ्रेंड्स हैं, आप सबका भी बहुत सपोर्ट रहता है, इस वजह से कोई भी काम हो पाता है ना। हाँ चलिए, हम तो सिर्फ क्लास को लेकर के आते हैं, बाकी शेयर करने का काम तो आप सब करते हैं ना, है ना। हाँ टेट की सारी क्लास मिलेगी सुमन, आप निश्चिंत रहें। तो देखिए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए क्या हो जाएगा, बेशक हाँ शिक्षक को क्या करना चाहिए, अनुकूल करना चाहिए जैसे कि विद्यार्थी में बदलाव हो सके। हमारे हर एक बच्चे का क्लियर हुआ, हाँ एक सेकंड। हाँ अभी क्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है, नहीं है, प्रगति के निरीक्षण करने की मैंने आपको पहले ही बताया है, निरीक्षण करना है ना, ताका झाकी करना, ये सब सही नहीं, अनुकूल करना चाहिए शिक्षक को जैसे विद्यार्थी में बदलाव आता है। नहीं नहीं बच्चों,
अगर डी आंसर कोई कर रहा है, मैंने आपको एक बार ये क्वेश्चन पहले भी कराया है, ये कौन सी मैम, मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दिया क्लास। देखिए यहाँ पर बच्चे हमारे डी आंसर कर रहे हैं, गलत है, डी ऑप्शन नहीं होगा बच्चों। शिक्षक को क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकंड, क्वेश्चन को ध्यान से देखना और अगले कभी गलत ना हो इस चीज का पूरा ध्यान रखना। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मैं आपको बता रही हूँ क्यों नहीं होगा डी। शिक्षक को अनुकूल, चूंकि बच्चा कैसा है, प्रतिभाशाली बच्चा है, ठीक है, क्लियर है। अब आपको पहला दूसरा तो नहीं होगा, आप सभी को मालूम है इतना। अगर हम बात करते हैं सी की और डी की, तो शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। बच्चा प्रतिभाशाली है बच्चों, तो यहाँ पर मुख्य भूमिका अगर टीचर निभाएगा तो फिर बच्चा क्या करेगा, बच्चे का रोल तो अहम होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। सॉरी मेरा आंसर गलत है, सी होगा, है ना। अनुकूल करना चाहिए, जैसे विद्यार्थी में बदलाव आता है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी इंक्लूड किया था, इसी कारण तब भी आपका सही नहीं हो पाया था, है ना। अब आप नेक्स्ट टाइम गलत मत करना, कोई भी बच्चा मैम जल्दी के चक्कर में गलत कर दिया, कोई बात नहीं सौरभ, कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम मत करना प्लीज मैम, फास्ट क्वेश्चन करा दीजिए। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बाल, यहाँ पर बाल होगा, बाल अपराधियों की आयु कितनी होती है, 5 से 10 वर्ष होती है, 3 से 12 वर्ष होती है, 18 वर्ष से होती है, कम होती है, या 18 वर्ष से अधिक होती है, बताइए भाई। लाइव अपन 75-80 हैं, पर लाइव किस्म क्या इतनी कम क्यों है, क्लास पसंद नहीं है, क्या रीजन है। बताइए, बाल अपराधियों की आयु होती है बेशक 18 वर्ष से कम होती है, ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। निःशक्त बच्चों में, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य डॉट डॉट में निःशक्त को शैक्षिक उपलब्ध कराना, क्या कराना, निःशक्त बच्चों को, यहां पर बच्चों होगा, निःशक्त बच्चों को शैक्षिक उपलब्ध कराना, नियमित विद्यालयों में, विशेष विद्यालयों में, मुफ्त विद्यालयों में, या फिर प्लानिटरी एसोसिएशन में। चलिए तो अपने आज 100 होने चाहिए भैया, अगर अपन 80 में हैं तो 20 फ्रेंड्स तो बिल्कुल लेकर के आइए। चलिए हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा नियमित विद्यालय हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा निःशक्त बच्चों को। समेकित का मतलब होता है समान ही होता है, तो समान शिक्षा की केंद्रीय योजना का जो उद्देश्य है कि बच्चा नियमित रहे, नियमित चीजों को सीख पाए, ठीक है। हम लाइक तो बिल्कुल नहीं करेंगे मैम, हम लाइक तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अरे अच्छी बात है, लाइक आप नहीं करेंगे, हो सकता आपको पसंद ना रही हो। चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, मतलब विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रावधान किस प्रकार से होना चाहिए। दूसरे दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में, विशेष विशेष विद्यालयों में, या फिर विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा, बताइए। चलिए अच्छी बात है, बिल्कुल, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रावधान किस प्रकार से होना चाहिए, बेशक हमें कैसा होना चाहिए, बताइए सभी फ्रेंड्स। हाँ दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, ठीक है, हाँ सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, ताकि बच्चा अलग थलग महसूस ना करे। देखिए मैं कभी यकीन नहीं करती हूँ कोई मेरे बारे में निगेटिव बोलता है, पॉजिटिव, सभी मेरे लिए सामान्य है, अच्छा है, वो भी हमारी कमी बताने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए, ठीक है बच्चों। हाँ परेशान नहीं होते, हताश नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है, जीवन में हर एक को होना जरूरी होता है, ठीक है, हो सकता है अभी कमी बताने वाला हो वो ही हो, है ना। चलिए अभी सारी चिंतन, अब सारी चिंतन अनुकरण मॉडलिंग। और जो बच्चे टेलीग्राम में जुड़े नहीं है, सरिता मैम साइकोलॉजी में टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे, वहां हम डेली सॉल्व कराते हैं, क्विज सॉल्व करते हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़ भी गए हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। देखिए
हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करके और ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेंगे। ऐप पर आपको सारी चीजें फैसिलिटी अपनी देख लेंगे, मॉडल पेपर भी है वहां पर आपके लिए, क्लासेस भी है, पूरा संपूर्ण साहित्य का कोर्स भी है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है 24 का सी अनुकरण, CBAR। ओके मैम, हाँ चलिए देखिए, सृजनात्मकता मुख्य रूप से कैसी होती है, क्रिएट, आप सभी को मालूम है सृजनात्मकता जो होती है वो क्रिएटिव होती है। अब जब क्रिएटिव होती हो तो बेशक एक होता है अभिसारी चिंतन, दूसरा होता है अपसारी चिंतन, तीसरा होता है आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है, आलोचनात्मक, तीन प्रकार का चिंतन होता है। तो अभिसारी चिंतन जो होता है वो सीमित होता है, कहने का मतलब 2+2=4, 2+2=4 होता है। अपसारी में क्या होगा कि ऐसी कोई संख्या बताइए जो जोड़ने पर 5 आए, क्वेश्चन बनता है अपसारी में बनेगा 2+2 क्या होगा, तो बेशक 4 ही होगा, एक आंसर बनेगा। अब 5 तो इसका आंसर होगा नहीं, लेकिन यहीं पर अभिसारी में बनेगा, अपसारी में कि बताइए ऐसी कोई संख्या बताइए जो जोड़ने पर 5 आए, तो 2+3 भी 5 आएगा, है ना। हाँ बिल्कुल, 3+2 भी आएगा। चलिए हाँ, अगर 1+4 भी करेंगे तो भी आएगा, है ना। हाँ चलिए बिल्कुल, तो देखिए यहां पर ही अपसारी हो जाएगा, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो अपसारी चिंतन हो जाएगा, क्योंकि अपसारी चिंतन आपका क्रिएटिव का प्रकार है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए मंद बुद्धि बालकों को, पिछड़े बालकों को, सामान्य बालकों को, प्रखर बुद्धि बालकों को। क्लास में शांति बनाए रखें, एक शिक्षक होने के नाते अपना परिचय दें, ठीक है। हाँ अब प्लीज ऐसे कमेंट ना करें जो किसी को बुरा लगे, हो सकता है कोई किसी के पास इतना पेशेंस ना हो कि वो ना सह पाए चीजों को, इसलिए प्लीज जो करने आए हैं प्लीज वही कीजिए, ठीक है ना। जीवन में बहुत पछताएंगे, है ना, कि हम जहां पर जो करने जाते थे वो काम नहीं करते थे, इसलिए अपना सिर्फ काम करें, आंसर करें और चुपचाप क्लास से अपना बात पढ़ाई करें, ठीक है। हाँ अगर कोई किसी को बोलता है अपना काम कीजिए, सिर्फ अपना काम कीजिए। देखिए हस्तशिल्प का मतलब है करके सीखना, अपना स्वयं हाथ से करना, तो मंद बुद्धि बालकों का होगा, पिछड़े बालकों का होगा, या फिर प्रखर या सामान्य, बताइए। तो बेशक हमने ये हमारा जो राइट ऑप्शन होगा मंद बुद्धि बालकों में हो जाएगा, ठीक है। इनको इसलिए दिया जाता ताकि इनकी बुद्धि और भी ब्रॉड हो सके। यह क्या हो रहा है क्लास में, ठीक है, मंद बुद्धि बालकों हो जाएगा इसका, इसका जो राइट ऑप्शन होगा, हस्तशिल्प शिक्षा मंद बुद्धि बालकों के लिए दी जाती है। रीजन ये है कि क्योंकि यहाँ पर बेसिकली ये नहीं है कि सिर्फ मंद बुद्धि वाले बच्चों को ही दिया जाता है, इनको दिया जाना चाहिए, क्योंकि रीजन ये है, क्योंकि अगर बच्चा मंद बुद्धि वाला बच्चा हस्तशिल्प काम करेगा, स्वयं अपने हाथों से काम करेगा, तो उसमें और भी क्रिएटिविटी आएगी और भी सोचने समझने की क्षमता उसके मानसिकता पर बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि अदर को नहीं दी जानी चाहिए, ये भी प्रखर बुद्धि वाला भी हस्तशिल्प काम कर सकता है, सामान्य वाला भी, पिछड़ा वाला भी, लेकिन यहाँ पर बेसिकली मंद बुद्धि वाले को दोगे तो और भी उसका जो बुद्धि लेवल है वो बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्लास के क्वेश्चन को पैटर्न देखा करिए बच्चों, रटना नहीं कभी भी, ठीक है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा मेरे क्लास के बच्चे कोई भी ऐसे बच्चे निकले जो रट्टू तोता हो, पहली चीज, कोई छोटी छोटी बात का बुरा माने, दूसरी चीज, तीसरी चीज कि जो काम करने आए हो बच्चों वही काम किया करो, है ना। चलिए पेरेंट्स आपकी सिर्फ ये उम्मीद किए होंगे कि बच्चा मोबाइल लिया है मतलब बिल्कुल पढ़ाई कर रहा है, हमारे लिए कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, तो प्लीज अपने पेरेंट्स को धोखा मत दो, है ना। हाँ प्लीज हो सके तो ये काम मत करो, जो काम करने आते हो वही करो, नहीं तो कहते हैं ना कि अब आगे नहीं बोलूंगी, ठीक है। चलो देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं, है ना, पिछड़े बालक, विकलांग बालक, लंबे बालक, मंद बुद्धि बालक, बताइए। चलिए निम्नलिखित में कौन से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते, पिछड़े बालक नहीं आते, विकलांग बालक, लंबे बालक, या फिर मंद बुद्धि बालक। हाँ लंबे बालक नहीं आते हैं, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई,
तीन क्वेश्चन और बचे हैं अपने, ठीक है। देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षार्थियों के लिए भाई वेरी गुड, आप सभी 90+ हो, है ना। तीन क्वेश्चन में 10 फ्रेंड्स और शेयर कर दिए तो अपने आज हम 100+ हो जाएं, अपना टारगेट कंप्लीट लाइफ का हो जाएगा आज। हाँ चलिए वेरी गुड, 90 अपन है, 10+ और जाना है, 100 अपने पूरे हो जाएंगे, ठीक है। देखिए प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। अभी क्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है, या फिर प्रगति का निरीक्षण करने की आवश्यकता सही है, या फिर शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे विद्यार्थी में बदलाव आता है। एक जो बच्चा कहता है कि हम तो क्लास से जा रहे हैं, ऐसा मत सोचो, है ना। जब शेर चलता है ना तो शेर को मारने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। एक एग्जाम्पल आप लोग दीजिए, बुरा मत मानना, कोई भी बच्चा हमारे समान है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि शेर को मारने के लिए बहुत सारे लोग लग जाते हैं, लेकिन कभी मार नहीं पाते, वो अपने चाल से ही चलता है। जलते हैं उससे लोग, लेकिन फिर भी वहां पर कुछ नहीं कर पाते। तो अपनी चाल से चलो, जो काम करने आते हो वो काम करके जाओ, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और ना तो एक दूसरे का टेंशन लो, ठीक है। यहाँ पर कोई आपका कोई फैमिली ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई किसी का आपका छीना जा रहा है। पढ़ने आते हो सभी, आंसर करो, निकलो अपना, ठीक है। चलिए देखिए, वेल डन, 95 हो चुके हैं, 100 होने वाले हैं, ठीक है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए बेसिक क्या हो जाएगा हमारा, शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसा विद्यार्थी में बदलाव आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभाना चाहिए। मुख्य भूमिका शिक्षक का नहीं होना चाहिए, बच्चे का होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। अभी क्षमता कौशल के रूप में समझना सही है, नहीं गलत है। प्रगति का निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, सही है, नहीं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं, जितने शैतान हो उतने अच्छे भी आप सब हो। देखिए सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। मतलब कहने का मेरा यह है कि बहुत प्यारे हो आप सब, है ना। ऐसी नोकझोंक तो परिवार में भी चलती रहती है, लेकिन यहाँ पर बच्चों ध्यान से क्वेश्चन देखा करो, ठीक है। हाँ देखिए, सशक्तशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा या फिर पृथक शिक्षा, कौन सा होगा बताइए। चलिए सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार हो सकता है। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, तो बेशक समावेशी शिक्षा हो जाएगा, ठीक है। कौन सी शिक्षा हो जाएगा, समावेशी शिक्षा हो जाएगा। जल्दी से पार करो 100, अपन दो क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी पार करो आप सब, ठीक है। हाँ आज का टारगेट अपना 100 था, जो की आज पूरा हो जाएगा संडे को, ठीक है। जल्दी पार करो, बेशक फालतू बातों में मत उलझो, ठीक है। चलिए समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती कि हमारे सेल्फ स्टडी क्लासेस में बच्चे रहते हो, मैं उम्मीद नहीं करती हूँ आपसे ऐसा, ठीक है। बहुत अच्छी उम्मीद करती हूँ, तो प्लीज वैसा ही परिचय दो। नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना, शिक्षा का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सके, कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना, शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है कड़ी दाखिला देना नहीं, विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना, शिक्षा का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सके, नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव का स्वागत करना। तो क्या हो जाएगा, नियमित विद्यालय हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ नियमित विद्यालय में सभी प्रकार के बालकों को बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना हमारा ऑप्शन नंबर ए को जाता है भैया। अगला क्वेश्चन लास्ट है हमारा, 30 क्वेश्चन। देखिए एक समावेशी विद्यालय .. है, शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनके सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, और हर एक बच्चा आज अपना नंबर बता करके जरूर जाए कि हमारे कितने नंबर आए हैं। और यहाँ पर टेलीग्राम में सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, साइकोलॉजी में सरिता मैम साइकोलॉजी टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहां पर हम क्विज सॉल्व करते हैं साइकोलॉजी की डेली, ठीक है। जो बच्चा नहीं जुड़ा होगा जुड़ जाएगा। देखिए एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उसकी सीखने की आवश्यकता को निर्धारित करता है। क्या ऐसा होता है, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है, और विशेष रूप से सक्षम बच्चों को कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। आपका रियल नाम बताओ प्लीज। मेरा नाम सरिता मिश्रा है, ठीक है।
हाँ विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगत परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध है। हाँ तो देखिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना। सभी वर्ग है यहाँ पर, तो सभी में समावेशी ही होता है, ठीक है। हाँ सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, ऑप्शन बी भैया। क्लियर हुआ अपना, आज से कौन से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए चलिए तो हाँ अब ध्यान से देखिए क्या क्या आपको प्रोसेस करनी है। इंस्टाग्राम में आप सर से जुड़ जाइए, सेल्फ स्टडी क्लासेस में, ये व्हाट्सएप नंबर है सेल्फ स्टडी क्लासेस का, यहाँ भी आप जुड़ जाइए, ठीक है। हाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं, और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम में तो सरिता मैम लिखेंगे, सरिता मैम साइकोलॉजी, तो आपको मैं टेलीग्राम में मिल जाऊंगी, ठीक है। हाँ वहां पर हम क्विज सॉल्व करते हैं साइकोलॉजी के, ठीक है, जिसमें टीचिंग एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास हमारी यही ऑफ होती है, मिलेंगे हम शाम को हिंदी व्याकरण में शाम को 8 बजे, तो कोई भी बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा। चलिए भाई तो क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक दे करके जरूर जाइएगा, उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद लगी होगी। चलिए 26+30 आया किसी का, ओके थैंक यू, सबको अच्छा लगा क्लास, आपसे व्हाट्सएप में जुड़ना है। ओके चलिए देखिए फालतू आप लोग मत सोचिए, कुछ लोग कुछ दूसरा करने आते हैं, कुछ लोग पढ़ने आते हैं, कुछ लोग परेशान करने आते हैं, तो अगर आपको उनके चाल में फंसना है तो फंस जाइए बेशक, और अगर आप में थोड़ी सी समझदारी होगी तो सिर्फ अपना काम कीजिए और काम निकालने के बाद अपना क्लास से अपना फिर से अपना ऑफलाइन पढ़ाई कीजिए, है ना। हाँ परेशान करने वाले कल भी थे जीवन में हरेक के, आज भी हैं और आने वाले हरेक समय में भी रहेंगे, तो डिपेंड करता है कि आप कितना दूसरों को अपना समय दे रहे हैं इस मामले के लिए। तो उम्मीद करती हूँ बिल्कुल आप समझ गए होंगे, तो चलिए मिलेंगे रात्रि को 8 बजे हिंदी व्याकरण की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।